तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप भी स्तनपान करा रहे हैं तो ये पांच सब्जियां हैं आपकी पक्की दोस्त। तो आपको भी ये पांच सब्जियां जरूर खानी चाहिए। स्तनपान के दौरान आपको क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं, इसे लेकर पारंपरिक और आधुनिक सलाह काफी अलग अलग है। स्तनपान कराते समय आपको शायद अपने खान पान में बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। नंबर वन, स्टार्च युक्त भोजन जैसे कि चावल, ब्रेड, पूर्ण अनाज से बनी रोटी, आलू, ओट, सूजी और पास्ता। सीरियल से बने स्टार्च युक्त भोजनों की पूर्ण अनाज वाली वैरायटी चुनें। इससे आपको अतिरिक्त पोषण और फाइबर मिल सकेगा। नंबर टू, कुछ डेयरी उत्पाद जैसे कि एक ग्लास दूध, दही और योगर्ट। यदि आपको लैक्टोस असहिष्णुता है तो आप अपनी डॉक्टर से पूछें कि आप क्या खा सकती हैं। नंबर थ्री, कुछ प्रोटीन जैसे कि दाल, दलिया, अंडे, मछली और वसा रहित मांस। नंबर फोर, पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां जरूर खाएं। इसके अतिरिक्त आप कुछ और ऐसे पोषक तत्व भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर वन, आयरन। आपके आयरन के स्तर को उच्च रखने के लिए डॉक्टर आपको आयरन अनुपूरक लेने के लिए कहेंगी, मगर जरूरी है कि आपको अपने आहार से भी आयरन मिले। आयरन के शाकाहारी स्रोतों में शामिल है दालें, अंकुरित दलहन, मेवे और हरी पत्तेदार सब्जियां। शाकाहारी स्रोतों में कम वसा युक्त लाल मांस, मछली और मुर्गा, अंडे में भी आयरन का अच्छा स्रोत होते हैं। नंबर टू, कैल्शियम। हर दिन कैल्शियम से भरपूर भोजन की तीन सर्विंग खाएं, जैसे कि दूध और अन्य डेयरी उत्पाद, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम या फिर कैल्शियम फोर्टिफाइड भोजन जैसे कि सीरियल्स, जूस, सोया और चावल के पेय और ब्रेड। नंबर थ्री, विटामिन डी। ये आपकी हड्डियों के विकास और संपूर्ण सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। ये शरीर की कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। धूप विटामिन डी के उत्पादन में शरीर की मदद करती है, मगर अधिकांश महिलाओं को इतनी देर सूरज की किरणें नहीं मिल पाती जिससे कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बन सके। नंबर फोर, विटामिन सी। ये आयरन के बेहतर समाहरण में मदद करता है। खट्टे फल, आंवला, अमरूद और पपीता विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। नंबर फाइव, विटामिन ए। गाजर, अंडे, शकरकंदी, हरी पत्तेदार सब्जियां, कद्दू, लाल शिमला मिर्च, मटर, टमाटर और आम में अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है। तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में हमने जाना कि स्तनपान कराने वाली माओं के लिए स्वस्थ आहार कौन सा होता है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन डेली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटिफुल विथ मी।